अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल, सैनेट इंतखाबात और पार्टी तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमती रहनुमाओं को मुतहरिक रहने की हिदायत करते हुए कहा कि याद रखें, हम इख्तदार के लिए नहीं निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं। हम मुल्क को लूटने वालों के साथ समझौता करके नहीं चल सकते। सैनेट के होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन चेयरमैन सैनेट के इंतखाबात में 6 सैनेटर्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। पीटीआई के पास ऐवान बाला में 26 नशिस्तें हैं, जबकि पीपी 20 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात करार पाई। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सैनेट में 17 नशिस्तें हैं। इस तरह नून लीग ऐवान बाला की तीसरी बड़ी जमात बन गई। PAF अस्पताल के जेर एहतमाम वर्ल्ड किडनी डे की मुनासिबत से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का मकसद गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक आगही देना था। मेजर जनरल सफदर अब्बास, रिटायर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव PAF अस्पताल, इस तकरीब के मेहमान खसूसी। सेमिनार से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने मुख्तसरन वक्त में बेहतरीन इदारे के क्याम पर प्रोफेसर सईद अख्तर और इनकी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को आला मियार की सेहत की सहूलियात से आरास्ता करने के गर्ज से पाक फिजाए की जेर सरपरस्ती किडनी केयर सेंटर का टीम वर्क की एक उम्दा मिसाल है। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 53 अमवात और 2701 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,430 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 6,198 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 18,703 है। 5,68,065 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। शब मेराजुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब की 27वीं शब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। शब मेराज पर मसाजिद में रात भर खुसूसी इबादात का एहतमाम किया गया। दुरूद व सलाम और नात की महाफिल का इनेकाद हुआ। मसाजिद में सलात व तस्बीह, नवाफिल और खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। PCB ने PSL 6 के बकिया 20 मैचेस जून में करवाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस रवां साल जून में कराची में करवाने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 6 फ्रेंचाइजेस के नुमाइंदगान ने ये मुतफिक का फैसला जुमेरात को मुनक्कदा वर्चुअल इजलास में किया। कौमी क्रिकेट टीम की मई, अप्रैल और अगस्त सितम्बर में बैन अल-अक़वामी मसरूफियात के 22 जून की विंडो को इवेंट के लिए सबसे मौजू करार दिया गया। हबीब जालिब, जिनकी शायरी हर जमहूरी तहरीक का तराना बनी, जमहूरियत के लिए कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले हबीब जालिब ने मुल्क में हमेशा आम आदमी की तर्जुमानी की। शायर जमहूरियत को बिछड़े 28 बरस बीत गए, इनकी नज़म दस्तूर आज भी हर सियासी जलसे की जीनत बनती है। PTA ने सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को टिकटॉक बंद करने की हिदायत जारी कर दी। PTA की जानिब से जारी करदा ऐलामिया के मुताबिक PTA ने सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से कहा है कि फौरी तौर पर टिकटॉक तक रसाई ब्लॉक कर दी जाए। फौरी तौर पर टिकटॉक तक रसाई ब्लॉक करने की हिदायत पिशावर हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में जारी की गई। गिलगित स्कर्दू रोड चामाचू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद कर दिया गया। 100 मीटर हिस्सा लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुआ। FWO के दस्ते मुतासर इलाके में पहुंच गए। सड़क पर फंसे तमाम अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए, जबकि RZ फील्ड मेडिकल कैंप कायम भी कर दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बादल बरस पड़े। बारिश के बाद आइस्कोर रीजन के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्तान शहर और गिर्दोनवा में हल्की आंधी से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई। तर्जुमान मैपको के मुताबिक बिजली बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।